डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैथमेटिक्स में हम लोग 7.8 एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि इसके पिछले हम लोग थ्योरी के सेक्शन को पढ़ लिए हैं। चलिए 7.8 के 7.8 में हम लोग एक्सरसाइज 7.8 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए से लेकर बी तक, ये ए और बी क्या हो गया हम लोगों का लिमिट, और एक्स इंटू डी एक्स, एक्स के पावर कुछ नहीं है तो देख लेना 1 इसको कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, सबसे पहले तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 और बट्टा में एन प्लस 1। तो एक्स के पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और बटा में 2, और ऊपर लिमिट कितना कितना है ए से लेकर बी तक। तो कुल मिलाकर एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, बी, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में 2। उसके बाद लोअर लिमिट रखा जाता है ना, तो x के जगह पे रखेंगे a, तो माइनस में लिखा जाएगा a स्क्वायर बाय 2। तो कुल मिलाकर 2 और 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे c हम लोग ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिमिट वाला हम लोग देख रहे हैं। इसको कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट नाम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है a से लेकर बी तक। जब लिमिट हो गया तब इसमें सी वगैरह हम लोग ऐड नहीं करते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी, ए से लेकर बी तक, एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स। सबसे पहले हम लोग ये सीखे हैं कि इंटीग्रेशन का लिमिट जो रहता है, पहले प्लस में रहता है तो उसको अलग अलग तोड़ लेंगे, तो एक्स से डी एक्स टूट जाएगा ए से लेकर बी तक, प्लस प्लस, अब 1 के साथ तोड़ेंगे तो 1 इंटू डी एक्स, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक। अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, ए से लेकर बी तक, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वही ए से लेकर बी तक। यानी कि सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेना है, जैसे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तब लिमिट जो रहेगा ए से बी, उसको ए से बी पुट कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स रख लेंगे। अब आप इसका जगह पे, इसके जगह पे, एक्स के जगह पे अपर लिमिट क्या है, तो बी स्क्वायर बाई 2, एक्स के जगह पे बी रख देंगे, और फिर घटाते हैं एक्स के जगह पे ए रख के, यानी कि ए स्क्वायर बाई 2, तो इसके जगह पर इतना, प्लस एक्स के जगह पर रखना है बी और अपर लिमिट माइनस है, यानी कि एक्स के जगह पर रख कर इसको घटा लेंगे। तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी माइनस ए, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे, तब हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कुछ नहीं है, सिंपल वे में है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 और एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इस कंडीशन को आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो है, लेकिन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3। तो ये क्वेश्चन ना हम थ्योरी में इसको करा चुके हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हालांकि आपसे खुद भी बन सकता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/3 और लिमिट पुट कर दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, तो 1 से लेकर ना 4 तक के लिमिट है, लोअर लिमिट में 1 अपर लिमिट में 4, और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले आप बताओ कि कोई भी इंटीग्रेशन प्लस और माइनस में रहता है उसको हम लोग अलग अलग तोड़ देते हैं, तो इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो 1 से 4 होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस 1 से 4 ही होगा, ठीक है, लेकिन एक्स डी एक्स होगा इस बार। अब आप बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का होगा एक्स के पावर 3/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक,
तो वन से लेकर फोर तक, और माइनस इस एक्स है तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो एक्स के पावर 2/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वन से फोर, क्योंकि लिमिट कुछ भी रहेगा तो सब में लिमिट सेम रहेगा, बशर्ते अंतर कहाँ पड़ेगा कि अलग अलग फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे ना हम लोग x³/3 हो गया, अब x के जगह पे अपर लिमिट कितना रखना है, 4, तो यहाँ हो जाएगा 4³/3, और माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे 1 1³/3, फिर है माइनस x के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे 4, तो 4² / 2, माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे 1² / 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4³ कितना होता है, 64³, माइनस 1³ कितना होता है, 1³, और ब्रैकेट माइनस 4² कितना होता है, 16² माइनस 1² कुल मिलाकर अब हम इसको करेंगे तो 64 में से 1 गया तो कितना होगा, 63³, माइनस 16 में से 1 गया 15² ठीक है। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6, 3 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 63 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 126, माइनस 2 से अगर 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 45, और 126 में से अगर 45 घटाएंगे तो 81/6, और अगर 81/6 है तो ये 3 से 2 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 27, यानी कि आंसर आ जाएगा 27/2 इज द करेक्ट आंसर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग सिंपल वे में ऐसे ही बना सकते हैं, लिमिट को लेकर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगले क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखें, तो 5 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, तो इंटीग्रेशन -1 से 1, ठीक है, e^(x)(dx), ये हम लोगों का इंटीग्रेशन है, e^(x) का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो -1 से 1। अब आप बताओ कि e^(x) का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e^(x) का इंटीग्रेशन होता है e^(x), ठीक है, यानी कि e^(x) का इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर दिया कितना, e^(x), लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट -1 से लेकर 1 तक। तो अब की बार हम पहले क्या रखते हैं, तो अपर लिमिट किसके जगह पर, तो एक्स के जगह पर, तो एक्स के जगह पर रखा 1, तो यहाँ हो जाएगा e^(1), और हमेशा लोअर लिमिट को घटाते हैं तो माइनस कर देंगे, लोअर लिमिट कितना है, -1, तो कुल मिलाकर इसका आंसर आ जाएगा e^(1) का मतलब e, और माइनस e^(-1) है तो इसको लिख दिया 1/e, यही हो जाएगा हम लोगों को आंसर। तो दोस्त, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को किए हैं 7.8 में, आगे के क्वेश्चंस को भी आपको होमवर्क्स में वैसे ही करना है, आपको सिंपल कर लेना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन, बाद में लिमिट का काम करना है, और लिमिट में करना भी है तो सबसे पहले अपर लिमिट रखना है, तब जाकर लोअर लिमिट रखना है। तो दोस्तों, आपको आगे का क्वेश्चन ट्राई करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से ट्राई खुद से कीजिए, और फिर अगर नहीं बनेगा फिर हम अगले दिन अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक के डिस्कस किया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।